बच भी गए, दोनों अभी तक नहीं आए। अच्छा है, थोड़ी और देर करो, फिर भूखे पेटी सोना, नींद बहुत अच्छी आएगी। शिवम, बेटा इधर आओ। हाँ जी मम्मी। ये लो, बाहर कोई भिखारी या मांगने वाला हो ना तो उसे दे देना ये खाना, ठीक है? जाओ, जल्दी जाओ। निशा, तुम ये क्या कर रही हो? गेंदा और वरुण आएंगे तो वो क्या खाएंगे? मम्मी जी, खाएंगे तो तब ना जब टाइम से आएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अब तो सिर्फ 8:30 ही बजे हैं। मम्मी जी आप देख लीजिएगा, वो कल की तरह 9 बजे से पहले नहीं आने वाले, बेकार में खाना वेस्ट हो जाएगा। लेकिन निशा, राधा, अब तो अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? जा, जाके खाना देके जल्दी जाओ। क्यों इतना परेशान हो रही हैं मम्मी जी? अब आपकी प्यारी बहू को भी तो पता चले कि पेट भरने के लिए रसोई में करछी चलानी पड़ती है, दुकान में बैठकर जुबान चलाने से पेट नहीं भरता। मुझे ही बनाना होगा। ये गैस ऑन क्यों नहीं हो रहा? लगता है सिलेंडर बंद है। ये कबर्ड क्यों नहीं खुल रहा है? गैस सिलेंडर वाला कबर्ड मैंने लॉक कर दिया है, अब गैस ऑन नहीं होगी। कहा था ना 9 बजे के बाद ना खाना मिलेगा और ना ही खाना बनेगा। अब वरुण को क्या खिलाऊंगी? किन्नर के हाथ में वाकई जादू है, ये डिजाइन देख के तो कस्टमर बहुत खुश हो जाएंगे। क्या हुआ? तुम तो खाना लेने गई थी ना? खाना नहीं मिला वरुण, अब आप खाली पेट दवाई कैसे लेंगे? हाँ लेकिन खाना क्यों नहीं? अभी तो सिर्फ 9:05 ही हुए। मैं खुद कुछ बना लेती लेकिन गैस भी नहीं चली। हाँ तो कोई बात नहीं, खाने के लिए गैस की क्या जरूरत है, आज ब्रेड बटर खा लेंगे। आप ब्रेड बटर खाएंगे? हाँ, रोटी सब्जी तो रोज ही खाते हैं, आज फॉर अ चेंज ब्रेड बटर खा लेंगे। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। गेंदा, आज तक हमने बहुत से ऑर्डर्स दिए लेकिन ये
ये जो कल वाली डिलीवरी ये सबसे ज्यादा स्पेशल है। हाँ वरुण, कल हम दोनों अपनी दुकान की पहली डिलीवरी करेंगे। नाश्ता भी रेडी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कल रात को आपने ठीक से नहीं खाया था ना, भूख लगी होगी, खा लीजिए। फिर तो तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। चलो साथ में मिलके खा लेते हैं। नहीं वरुण, मैं बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए। तुमने नेकलेस इसी बॉक्स में रखा था ना, कहीं किसी और बॉक्स में तो नहीं रख दिया था? नहीं तो क्यों? पर ये नेकलेस कहाँ है? ये बॉक्स तो खाली है। नेकलेस इसी में तो हमने रखा था कल रात को। तो वही सोच रहा हूँ कि हमें ढूंढना चाहिए। वरुण ठीक से याद कर, तुमने कहीं और रख तो नहीं दिया था? ढूंढ लिया वरुण, कहीं नहीं मिल रहा नेकलेस। लेकिन ऐसे कैसे? कल रात को यही नेकलेस रख के हम सोए थे, कोई कमरे में आया नहीं। फिर आज हमारी पहली डिलीवरी, अब क्या होगा? गीता क्या आवाज है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कमरे की हालत है, कुछ खो गया है क्या? मम्मी जी बताओ गेंदा, क्या हुआ है? मम्मी जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हमारी पहली डिलीवरी थी, हमने एक नेक पीस बनाया था, इसमें रखा था, रात को यही रख के सोए थे। सुबह उठे तो वो गायब है। गायब? ऐसे कैसे गायब हो सकता है? तुमने ठीक से देखा तो था ना? हर जगह देखा, पूरा कमरा देखा भाभी, अलमारी में देखा, पलंग के नीचे देखा, हर ड्रॉर में, लॉकर में, हर जगह देखा, कहीं नहीं मिल रहा। आज की डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं दे पाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम लोग परेशान मत हो, नेकलेस जाएगा कहाँ? घर पे ही होगा, हम सब मिलकर ढूंढते हैं ना, मिल जाएगा। हाँ। जरूरत नहीं है। इन दोनों का साथ देकर अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
पहली डिलीवरी और नेकलेस गायब। यही होता है जब एक औरत सोचती है कि वो मर्दों वाला काम कर सकती है। एक नेकलेस संभाला नहीं गया और दुकान संभालने चली है ये लड़की। अनुराधा, इस लड़की को लग रहा है कि नेकलेस चोरी हुआ है ना? ना। बर्बादी को इन्होंने इस घर का बता दिया है। रावण को ललकारा है। ये नतीजा उसी का है। ध्यान सुना, मोहलत नहीं दी है उसने, चुनौती दी है। चुनौती जिसके सामने तुम दोनों का कद बहुत छोटा है। खबरदार, खबरदार, अगर इन दोनों की किसी ने मदद की तो। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि पापा जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये चोरी जरूर सिद्धांत सिन्हा ने ही करवाई है। सिद्धांत सिन्हा, तुम ये सोचती हो कि मैं यानी सिद्धांत सिन्हा तुम्हारे घर में चोरी करवाएगा? लगता है तुम्हारे नेकलेस के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी चोरी हो गया। कैसी बेकार की बातें कर रही हो तुम। अपने निकम्मेपन का ढोल मेरे गले में डालकर बजाने से बेहतर होगा कि तुम ये मान लो कि तुम कुछ नहीं कर सकती। यू आर यूजलेस। और गेंदा अग्रवाल, आइंदा बिना सर पैर के मुझ पर इल्जाम मत लगाना। मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही, वही कह रही जो तुमने किया है। मुझे अच्छी तरह पता है ये घटिया और गिरी हुई हरकत तुमने की है। ओ गॉड, जब भी मैं सोचती हूँ कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, तुम कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिससे ये साबित हो जाता है कि तुम एक घटिया और गिरे हुए इंसान हो। Shut up, just shut up, गेंदा अग्रवाल। सिद्धांत सिन्हा जो कुछ करता है डंके की चोट पर करता है। मेरा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है कि मैं लोगों के घर पर जाकर चोरियां कराता फिरूं। तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और वो कितना लोग गिर सकता है वो भी मुझे पता है। तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो नेकलेस तुमने चोरी किया मेरे क्लाइंट के पहुंचने से पहले पहले दुकान तक पहुंच जाना चाहिए, वरना वरना क्या? वरना वो रावण तो खुशकिस्मत था जिसने सिर्फ राम का रौद्र रूप देखा था, लेकिन ये रावण राम के रौद्र रूप के साथ साथ सीता का रौद्र रूप भी देखेगा। टीम,
जी आपका ऑर्डर रेडी है। ठीक है, मैं कुछ ही देर में पहुंचती हूँ। हेलो। हाँ जी। कोई प्रॉब्लम है? मैं आ जाऊँ ना? हाँ आ जी। मुझे जल्द से जल्द दुकान पहुंच के सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन ये गेंदा कहाँ चली गई? गेंदा तो ऐसी बिंदी नहीं यूज करते। जरूर ये बिंदी उसी की है जिसने कल रात को नेकलेस चुराया था। अब मैं जानता हूं ये बिंदी किसकी है। ये बिंदी तो ऐसे कहां चला गया नेकलेस? यहां भी नहीं है। कब से इंतजार कर रहा हूं। ये अनुराधा चाय लेकर क्यों नहीं आई? सिद्धार्थ ने चुराया है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन घर में भी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। क्या पता यहीं मिल जाए। ये क्या कर रही हैं मम्मी जी आप? ओह अच्छा समझ गई, आप नेकलेस ढूंढ रही हैं ना। समझ सकती हूँ मैं, पापा जी ने मना किया है तो क्या हुआ। एक माँ का दिल तो नहीं मानता ना। बेटा बहू परेशानी में हो तो आप कैसे शांति से बैठ सकती हैं, है ना? पता नहीं निशा, एक मन तो ये कह रहा है कि शायद सिद्धांत सिन्हा ने ही चोरी किया नेकलेस, एक मन तो कह रहा है कि शायद घर में ही कहीं खो गया हो। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये टिफिन, वो उन दोनों के लिए मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ मम्मी जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उनकी चिंता करती हैं, उनके बारे में सोचती हैं। मैं भी सोचती हूँ, इसीलिए खाना लेकर दुकान पर जा रही हूँ आज। मैं खाना लेके जाऊंगी तो उसे अच्छा लगेगा। किस घर में कहा सुनी नहीं होती है मम्मी जी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे की परवाह करना ही छोड़ दें, एक दूसरे के बारे में सोचे ही ना। लेकिन मम्मी जी मैं जा तो रही हूँ, पापा जी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे, आप प्लीज संभाल लीजिएगा। जानिशा भगवान करे तुम देवरानी जेठानी का प्यार ऐसा ही बना रहे, ख्याल रखना उसका। अनुराधा चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं अपनी प्यारी देवरानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अनुराधा बस आ गई। चाय का क्या हुआ? गेंदा के हिस्से कामयाबी नहीं, सिर्फ हार और ना उम्मीदी ही आएगी।
और वो भी मैं अपनी आंखों से देखूंगी। टिफिन देने के बहाने गिंदरानी जब कस्टमर के आगे रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, माफी मांगेगी, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। ओ, बड़ी आई थी दुकान चलाने।